देखिए तलबा, इबारती मिसालें हम हल करते हैं। सवाल है, तीन कंपास की पेटियों की कुल कीमत 90 रुपये है, तो एक कंपास पेटी की कीमत कितनी होगी? सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि जितने अच्छे ढंग से और जितने अच्छे तरीके से आप सवाल को समझेंगे उतना आसानी से हिसाब को हल करेंगे। तो देखिए, तीन कंपास की पेटियों की कुल कीमत कितनी है? वेरी गुड, 90 रुपये है, तो एक कंपास पेटी की कीमत कितनी होगी? इसके लिए कौन सा अमल हमको इख्तियार करना होगा? तकसीम का अमल। तकसीम का अमल इस तरह से अलामत बनाते हैं उसकी, यहाँ पर हम कुल पेटियों की कीमत कितनी है? 90 है। कितनी पेटियों की कीमत है वो? 3। इस तरह से 90 को 3 बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करने पर जो जवाब आएगा वो एक को हासिल, एक को उतनी कंपास पेटियां, कंपास पेटी की कीमत होगी। देखो कैसे, 3 से 90 को तकसीम देना है। सबसे पहले ये याद रखिए कि ज़र्ब में हमने सीधे हाथ की तरफ से अमल करना शुरू किए थे, तकसीम में उल्टे हाथ की तरफ से तकसीम का अमल शुरू होता है। तो यहाँ पर इकाई और दहाई दो अदद हैं, लेकिन हमको दहाई के यानी यहाँ पर जो उल्टे हाथ की तरफ अदद है वो है 9, दहाई वाला अदद, इसलिए हम पहले उस पर गौर करेंगे। क्या है? 9 है। हाँ, इसमें क्या देखना होता है कि ये इसके पहाड़े में है या नहीं है, तो यहाँ भी पहाड़े हमको याद होना जरूरी है। देखिए पहाड़ा, 3 × 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, आ गया 9। यहाँ पर 3 के पहाड़े में 9 कितने नंबर पर आया? 3 नंबर पर आया, 1, 2, 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। 3 के पहाड़े में 3 नंबर पर कितने आए? 9 आए, यहाँ 9 लिख देगी। अब यहाँ पर क्या करेगी? याद रखो, यहाँ तफरीक करना है। क्या करना है? तफरीक करना है। 9 में से 9 गए 0। अब बाजू में कौन सा अदद है? 0 है, 0 को नीचे उतारिए। अब ये 3 के पहाड़े में 0 कहाँ आता है? 0 नंबर पर, यहाँ लगाएंगे 0 लगेगा। इस तरह से जवाब कितना आया? 30। यानी एक कंपास पेटी की कीमत 30 रुपये होगी, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए एक कंपास पेटी की कीमत 30 रुपये होगी। ठीक है।